नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैदर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। जानते हैं कि निज़ाम फैमिली आसिफिया दौर में उन्होंने हैदराबाद को और तेलंगाना को और दखन को किस तरह डेवलप किया हम सब जानते हैं। कि आज़ादी से पहले 560 राजा महाराजे भी थे, लेकिन जो दखन के नवाब साहब मीर उस्मान अली खान साहब, महबूब अली खान साहब, उनसे पहले के लोग के अपना ओन रेल पूरा दखन के अंदर रेल, उसके साथ बेगमपेट एयरपोर्ट, उसके साथ यहाँ करेंसी और ख़ास तौर पर एजुकेशन के अंदर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये माजुमे सिटी कॉलेज, निज़ाम कॉलेज, लड़कियों के लिए वुमेंस कॉलेज,
ये ऐसे चीज़ें हैं कि सुनने के लिए आज़ादी से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि निज़ाम साहब को कि जो सोच थी रिवोल्यूशन की सोच थी उनकी हमेशा के खिलाफ की सोच थी कि लड़कियां भी पढ़ना है, हड्डियों का दवाखाना है और चेस्ट का दवाखाना है, टीबी का दवाखाना है, कैंसर का दवाखाना है, हर मर्ज के इंसान के जिसम के हर हिस्से का एक दवाखाना बनाए। ये वाहिद दुनिया के वाहिद नवाब साहब थे जिसने इतनी दूर से सोच के आया। अब आज़ादी मिलकर हमको 70 साल हो गया, हम वही ज़मीनों में से कुछ नया डेवलप कर रहे हैं लेकिन हम नए हॉस्पिटल्स नए कुछ भी नहीं बना सकते। तो ऐसी बड़ी शख्सियत हमारे दुनिया से चले जाना, ये दक्कन के साथ साथ ये इसके बाद भी आज भी मक्का जाने वालों के लिए जो गरीब है उनके लिए रुबात, मदीने शरीफ में रुबात, यानी वहाँ तक भी जाने वालों का उन्होंने ख्याल रखा था। तो बहरहाल उनका जाना अफसोस है। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से श्री रेवंत रेड्डी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने एक डेलीगेशन लेकर यहाँ आए, इसमें तमाम कांग्रेस के सीनियर भी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी एक मैसेज है क्योंकि वो भी दक्कन के हैं, बीदर और गुलबर्गा के हैं, उन्होंने भी मैसेज भिजाया है, वो थोड़ी देर में प्रेस को रिलीज़ करेंगे हम। उन्होंने भी जाहिर किया कि हम सब निज़ाम के ज़माने के दक्कन में पले पड़े हैं, हमको हमारे एक भाषा को से हम महरूम हो गए, ये उन्होंने भी मैसेज देकर कहा है प्रेसिडेंट साहब को कि वो मैसेज मीडिया के जरिए उनके ख़ानदानी वालों को पहुँचा देंगे और पहुँचा देंगे। अब रेवंत रेड्डी साहब इसके बारे में बात करेंगे कांग्रेस में। పాత హైదరాబాద్ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా బాధాకరం. నిజాం ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి ఈరోజుకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన కళ్ళ కట్టినట్టు కనిపిస్తుంది. శబ్దగలిగా చెప్పినట్టు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కావచ్చు, నిజాం కాలేజ్ కావచ్చు, అలియా జూనియర్ కాలేజ్ కావచ్చు, కోటిలో ఉమెన్స్ కాలేజ్ కావచ్చు, ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ మూడింటి మీద నిజాం నవాబ్ 200 సంవత్సరాలు పూర్వమైన కృషి చేసి హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక విశ్వనగర హోదా తీసుకొచ్చారు. ఇలాంటి ఈరోజు మీరు చార్మినార్ ఏరియా దగ్గరికి వెళ్తే అన్ని రకాల వ్యాపారాలు కబూతర్ కానసే లేకర్ హర్ చీజ్ हर तरीके के जो कारोबार करने का वजन मार्केट से लेकर ड्रेस का, वर्ल्ड का, कपड़े का, हर नमूने के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे दरमियान निज़ाम और एक निज़ाम अली जनाब अली खान साहब हमारे दरमियान में नहीं। आप जानते हैं कि निज़ाम फैमिली आसिफ के दौर में उन्होंने हैदराबाद को, तेलंगाना को और दक्कन को किस तरह डेवलप किया हम सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले 560 राजा महाराजे भी थे लेकिन जो दक्कन के नवाब साहब मीर उस्मान अली खान साहब, महबूब अली खान साहब, उनसे पहले के लोग के अपना ओन रेल पूरा दक्कन के अंदर रेल, उसके साथ बेगमपेट एयरपोर्ट, उसके साथ यहाँ करेंसी और ख़ास तौर पर एजुकेशन के अंदर उस्मानी यूनिवर्सिटी, ये माजूम सिटी कॉलेज, निज़ाम कॉलेज, लड़कियों के लिए वुमेंस कॉलेज, ये ऐसे चीज़ें हैं कि सुनने के लिए आज़ादी से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि निज़ाम साहब को कि जो सोच थी रिवोल्यूशन की सोच थी उनकी हमेशा के खिलाफ की सोच थी कि लड़कियाँ भी पढ़ कि मुकरम जा बहादुर हमारे बीच नहीं है। देखिए अब तक आप तमाम चीज़ निज़ाम और उनके पूरे ख़ानदान के बारे में आप लोग सुनते गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर से हैदराबाद को अगर से कोई डेवलप करा वो है निज़ाम सरकार। जब 1947 में आज़ादी हुई तो हिंदुस्तान में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे या दूसरे सिटीज़,
सबसे एडवांस सिटी हैदराबाद था, और इसका रीजन रेलवे स्टेशन काचीगुड़ा, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, बेगमपेट एयरपोर्ट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया हॉस्पिटल। और जैसा आप सुन रहे हैं, वो जमाने में निजाम सरकार को विजन था, और विजन ये था कि एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होना और मेडिकल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग होना। क्योंकि कौन सी भी कंट्री की, स्टेट की, सल्तनत की, खानदान की बुनियाद है आपकी सेहत और आपकी तालीम। तो निजाम सरकार वो टाइम के ऊपर इतने फोकस थे, और हैरत होती आज, हैरत होती आज जो पूरी दुनिया कोरोना 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 का जिक्र कर रहा, 104 साल पहले, 105 साल पहले क्वारंटी हॉस्पिटल, जो क्वारंटाइन हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस, ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, कॉइंस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 220 प्लस साल वो राज करे, और मेजॉरिटी कम्युनिटी अदर कास्ट थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो कभी भी निजाम सरकार गंगा जमुना तहजीब में बिलीव करते थे, इंसानियत में बिलीव करते थे, सबको लेके चलने की राह में बिलीव करते थे। कभी भी निजाम सरकार डिवाइड एंड रूल नहीं करे, निजाम सरकार कभी भी यूनाइट और लीड करे। और रही बात उनके इतने अच्छे काम को, उनके जो बेहतरीन डेवलपमेंट्स के काम हैं, कई गवर्नमेंट आ गए होंगे आज, जब आंध्र प्रदेश थे आज तेलंगाना है, कांग्रेस पार्टी थी तेलुगु देशम थी, आज केसीआर पार्टी है, टीआरएस पार्टी है, बीआरएस है, जो भी है, हर कोई डेवलपमेंट करा, इसमें दो राय नहीं है।